साथियों, भारत और जापान की सोच है कि हमारा विकास हमारे उल्लास के साथ जुड़ा होना चाहिए, ये विकास सर्वमुखी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए और सबको जोड़ने वाला होना चाहिए। हमारे पुराणों में कहा गया है, तत्र अश्रु बिंदु तो जाता महारुद्राक्ष प्रक्षकाः, मम आज्ञया महासेन सर्वेषां हित काम्या, अर्थात सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए भगवान शिव की आंख से गिरी अश्रु बूंद के रूप में रुद्राक्ष प्रकट हुआ। शिव तो सबके हैं, उनकी अश्रु बूंद मानव मात्र के लिए स्नेह का, प्रेम का प्रतीक ही तो है। इसी तरह ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष भी पूरी दुनिया को आपसी प्रेम, कला और संस्कृति के जरिए जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। और काशी का तो बात ही क्या, काशी तो वैसे भी दुनिया का सबसे प्राचीन जीवन शहर है। शिव से लेकर सारनाथ में भगवान बुद्ध तक काशी ने अध्यात्म के साथ साथ कला और संस्कृति को सदियों से संजो कर रखा है। आज के समय में भी तबला में बनारस बाज की शैली हो, ठुमरी, दादरा, ख्याल, टप्पा और ध्रुपद हो, धमार, कजरी, चैती, होरी जैसी बनारस की चर्चित और विख्यात गायन शैलियां हो, सारंगी और पखावज हो या सहनाई हो, मेरे बनारस के तो रोम रोम से गीत, संगीत और कला झरती है। यहां गंगा के घाटों पर कितनी ही कलाएं विकसित हुई है, ज्ञान शिखर तक पहुंचा है और मानवता से जुड़े कितने गंभीर चिंतन इस मिट्टी में हुए हैं। और इसलिए बनारस गीत संगीत का, धर्म अध्यात्म का, ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर बन सकता है।